अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इकरा, यू वाचिंग इकरा विज व्लॉग। और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक हफ्ते बाद तकरीबन कोई 7-8 दिन बाद फिर आपकी बहन हाजिर है। 1 हफ्ते 7-8 दिन हो गए ना? हाँ, 8 दिन। तो आज है सैटरडे और ये अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं दिन के नहीं सुबह के 3, मतलब तहजद का टाइम हो रहा है। और आपकी बहन इतना रेडी होकर कहाँ जा रही है, तो ये एक ट्विस्ट है जो आपको आगे चल के पता चलेगा कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। और मेरे साथ अभी मौजूद है कश्यप आत्मा, और ये रही कश्यप आत्मा है तेज कश्यप, ये रो कश्यप, हाँ वो कश्यप मॉडलिंग करते हुए। गाइस आप मेरी बहन के ब्लॉग को प्लीज वायरल करें। ओके वायरल करें, ओके और ओके वायरल करें। ये कश्यप की अपनी लैंग्वेज है, मेड बाय कश्यप। हाँ, आपके ड्रेस को की वजह से लाइक करें इसको और सब्सक्राइब भी करें, बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ, इनकी वजह से कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर, वरना वैसे नहीं करें, ठीक है? अब कश्यप आ गए, अब ठीक है ना? तो खैर गाइस, चले चलते हैं अपनी जर्नी पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। तो खैर गाइस, हम लोग आ गए नीचे और कश्यप की क्लास लेने में जितना हमें मजा आता है ना, उतना हम किसी चीज में नहीं है। और कश्यप और हाल तक हम खिली कश्यप कोरिया जा रहे हैं, हम कश्यप को ड्रॉप करने जा रहे हैं कोरिया में। जी गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पर, और एज आई टोल्ड यू कि मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं हवेज और ईमन फातिमा जा रहे हैं पाकिस्तान टूर पे, और इनको दुबई छोड़ के हम लोग, और शुएब जो है उदा भी जमाई अचल पे, ये जो मुझे तो पता नहीं, मुझे शायद दुबई भेजा है। अभी हम छोड़ने आए इकरा और अवेश को एयरपोर्ट में, हम आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहे हैं तकरीबन 4, हमारी फ्लाइट 7 बजे, वैसे इनकी फ्लाइट वैसे 7 बजे, असल में 2 घंटे पहले ही जो है वो इनको ना काउंटर पे पहुंचना, वरना काउंटर क्लोज हो जाता है। एग्जैक्टली, तो हम लोग ख्वार बिल्कुल बिल्कुल मेरे ना नींद की है, 7 दिन का एडवेंचर है, देखते हैं एडवेंचरस ट्रिप पे 7 दिन की इंशाल्लाह अगले सैटरडे को। तब तक के लिए व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल अपडेट करती रहूंगी। बनना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए आप कहाँ गए, आपने क्या खाया, आपने क्या पहना, सामान कौन निकालेगा तेरा, सामान इतरुआ किए खड़बो गेलबो अब गेलो था सब के गेल तो मुझे हाँ। खैर गाइस, तो अरम के जल्लो उगा दिए थे भाई, ये सामान निकालना ही भूल गया शुएब गाड़ी से, और आपको कोई कुछ उठाने का कह नहीं, ट्रॉली की तरह बैग को हम लोग सीट के लेके जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और वैसे भी हैंड कैरी इतनी भारी नहीं है, शिव खुद उठा लेगा, और बाकी जो बैग्स हैं हम लोग वो घसीट लेंगे। जी आपने, अच्छा मैंने बनवाई ना हाथों से, दिया दिमाग से, आपने खुद बनाया, आप ये बोले अब माली है माली। जी गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और वेट करे फ्लाइट का, ये साहब भाई हमें छोड़ने आए, ये अवे साहब हमेशा की तरह मुंह बनाकर मुंह फुलाकर अपना काम कर रहे हैं। आज तो कुछ बोलो नहीं, वहाँ जाके बोलेगा, वहाँ जाके बोलोगे आप, अकेले ही मुझे बकबक करनी पड़ेगी, पता है साहब ये इंसान नहीं बोलेगा वहाँ पे, आप इस बात की गारंटी ले रहे हो? बोलोगे साहब सही बोल रहे हैं, हाँ अल्लाह करे। हम लोग वो वहाँ पे जो लास्ट व्लॉग था ना, हम लोगों ने जो डिनर किया था उसमें भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, पर इसने बोला नहीं आखिर में, मुंह बना के बैठ गया था। खैर Who cares? इस बंदे के साथ अकेले मुझे 1 हफ्ता रहना है, देखें आप अकेले, या तो मैं इसके बाल इसके सर से खींच लूंगी या ये मेरे, हाँ तो ये और ये शूज पहचान लें, बराबर में नोनी बैठी हुई है और उसके बराबर मम्मी, और शेर थोड़ा बता दी चिप्पे चिप्पे की नहीं बैठे ज़्यादा, माना कि अब लोगों का निकाह हो गया, चीपे की नहीं बैठी, और इसको बैठी है रहमत श्री लाल को मुझे जी दिशा। मम्मी यहाँ पे बर्फियाँ लेने आई है, बर्फी लेके आई है, मीठा हम कहीं नहीं छोड़ेंगे चाहे हम लोग। खैर गाइस, तो ये कुछ मीठा मीठा लेकर आई है, ये बच्चों बच्चे भी खा रहे हैं, मम्मी बच्चों की तरह मीठा खा रही है। अम्मी ये क्या लेकर आई है, दिखाएं जरा मुझे, शो मी शो मी,
शो मी बेबी, ये क्या है? अल्लाह अल्लाह, अच्छा नहीं नहीं शो अच्छी है। हाँ खैर गाइस, तो मेरे साथ रहेगा स्टेज यून एंड जी। गाइस तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमारा जो लगेज वो पास हो गया था, अल्लाह अल्लाह करके मुझे तो डर लगा था कि मेरा जो है ना वो लगेज का वेट जो है 23 से ज़्यादा होगा। एंड मैं एमन और अवेज आ रहे हैं, अरहम की तबीयत ठीक नहीं थी तो बुन नहीं छोड़ा, मतलब अरहम के दादा पापा ने उसे जाने नहीं दिया और फिर हम उसे गिरवी रख कर और आ गए हैं खुद। हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, अवेज मज़े से पकड़ के बैठे हुए बोर्डिंग पासेस। अभी टाइम है थोड़ा सा तो हमने कहा चलो बाहर ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर, और 15 मिनट बाद हमें चेक इन करना है इधर। तो मेरे साथ रहेगा, स्टे ट्यून। हेलो गाइस, फाइनली हम जो अब फ्लाई करने वाले हैं, ओ फ्लाई जीना में इंतज़ार जो है ना बहुत बहुत बुरा और बहुत गंदा है। मैं 2 घंटे कोशिश करूँ कि मैं सो जाऊँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जी गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और अब भी जो है वो हमें चाहिए होगा हमारा लगेज, और जो कि क्लेम होगा नीचे से। और अभी जो है वो आगे आगे जा रहे हैं, मुझे ईमन दे दिए और मुझसे ईमन उठाई नहीं जा रही सीरियसली, क्योंकि मुझे जो पाँव की मोच थी सर्दी की वजह से जाग गई है 2-3 दिन से और काफ़ी मुश्किल से चल पा रही हूँ, पर फिर भी घूमना था तो तैयारी पकड़ ली। अवेश गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अभी लगेज मिलने तक, स्टे ट्यून। जी गाइस, तो लगेज आ चुका है और ट्रॉली में भी भर चुके हैं अवेज, और अभी हम जो है वो टैक्सी का वेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए हमने एक टैक्सी बुलाई है और उसमें आने में 5 मिनट, तो मैंने कहा चले इस्लामाबाद एयरपोर्ट किया ना आपको खूबसूरती दिखा लूँ कि जी ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ जैसे कराची एयरपोर्ट है भाई। अभी तक तो मतलब जो देखें कराची तो कराची है फिर, और मुझे नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, बात ख़त्म है ना, हर किसी की अपनी मर्जी है। अब कोई तंज और तनकीद करने से गुरेज कीजिएगा, ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं था जैसे कि कराची एयरपोर्ट था। तो खैर हम लोग जो है वो जा रहे हैं अब होटल, तो जैसे चेक इन करेंगे मैं आपसे रब्ता करूँगी, मेरे साथ रहेगा, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। जी गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद G7 सेक्टर की एक होटल है, उसका नाम नहीं बताऊँगी मैं फ़िलहाल, बता भी देती हूँ कि आप फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये देखिए, क्योंकि हमें एक दिन इस एक मतलब आज का दिन स्टे करना है और अभी जो बज रहे हैं वो दिन के 11 बज रहे हैं और हम तकरीबन सुबह जल्दी ही उठ के निकल जाएंगे मरी के लिए, तो आज का दिन हमें यहाँ गुजारना है। पर हम लोग रात के जागे हुए हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग रात में निकलेंगे डिसेंटेरियस मॉल या लेक व्यू पार्क, जो भी उस टाइम भी समझ आया हमारे दिमाग जिस तरफ हमें लेकर गया। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। अब इस फुल सोने की तैयारी में एक्शन तो मेरे साथ रहिएगा गाइस। तो गाइज़, मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, तो इस्लामाबाद पहुँचने तक का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब जो मैं कहीं जाऊँगी तो वो एक नया व्लॉग मैं आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कम्प्लीट देखें। अल्लाह हाफ़िज़।